छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी का पर्व दुर्ग भलाई शहर में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैंप हाउस भलाई 3 की जन्माष्टमी पूजा आकर्षण का केंद्र रही। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की। कैंप हाउस में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया। मुख्यमंत्री की पत्नी, बहू, बेटे और घर के अन्य सदस्यों ने विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की। इस दौरान नाना और नाती अथर्व की जोड़ी खूब रमी। मुख्यमंत्री ने जहां शंखनाद करके पूजा की शुरुआत की तो नाती ने कान्हा के पलने की डोर खींची। इसके बाद नाना ने नाती को गोद में उठा लिया। नाना की गोद में चढ़कर अथर्व ने घंटी बजाई और दही हांडी फोड़ी। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर कैंप हाउस आस्था और उमंग से सरोबर रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों के साथ जन्माष्टमी की खुशियां साझा की और सभी के साथ जन्माष्टमी का पर्व उत्साह से मनाया गया। इस पूजा के दौरान आकर्षण का केंद्र नन्हे अथर्व अपने नटखट अंदाज में चलते रहे। मुख्यमंत्री ने अथर्व को अपने हाथों से उठा लिया। इसके बाद गोविंदा यानी कि अथर्व ने अपने नाना के सहयोग से दही हांडी भी फोड़ी और विधिवत तरीके से पूजा की गई। इस मौके पर नन्हे अथर्व सिर्फ कान्हा के वेश में ही नहीं बल्कि उन्होंने कान्हा की लीला भी प्रस्तुत की। अथर्व ने कान्हा की एक्टिंग करते हुए मनमोहक डांस भी दिखाया। इस मौके पर गोकुल जैसा नजारा कैंप हाउस स्थित मुख्यमंत्री निवास में दिखा। मुख्यमंत्री के यहाँ परंपरा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ आरंभ शंख ध्वनि के साथ किया जाता है। इस परंपरा को मुख्यमंत्री ने खुद शंख बजाकर निभाया। उन्होंने अपने हाथों में शंख लेकर जन्माष्टमी पर्व के आगाज का तुमुल घोष किया। We'll be right back.